हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग के फेस रिवील के बारे में। जी हाँ गाइस, फाइनली सालों बाद वो दिन आ ही गया जहां पर टोटल गेमिंग ने अपना फेस रिवील कर ही दिया। कल उन्होंने अचानक से प्रीमियर स्टार्ट कर दिया फेस रिवील वीडियो का, एंड प्रीमियर में ही क्रेजी रेस्पॉन्स आने लगा। जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो लाइव होने से पहले ही इसमें 330K प्लस लाइक्स एंड 130K प्लस कमेंट हो भी चुके थे, एंड अभी करेंटली विद इन 6 आवर्स उसमें 5 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं विद 1.2 मिलियन लाइक्स। खतरनाक रेस्पॉन्स मिल रहा है उनको। सो क्या आप उनका फेस देखना चाहोगे? वेल, मैं उनका फेस तो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके लिए आपको टोटल गेमिंग की वीडियो में जाकर देखना होगा, बट एटलीस्ट मैं उनका नेम रिवील कर सकता हूँ। चलिए आप खुद ये क्लिप सुन लो। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजयन। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि सलमान खान एंड आयशा खान के बारे में है। तो जब सलमान खान ने आयशा खान को स्लैम किया वीकेंड के बार में, उसके बाद वो बेहोश हो गई, देन सी वाज हॉस्पिटलाइज। जी हाँ, वीकेंड का वार एपिसोड का एक प्रोमो आया था जहाँ पर सलमान खान बोल रहे थे, तो आयशा मकसद क्या था इस शो में आने का? जिस पर आयशा बोलती है, सर एपोलॉजी चाहिए थी उस चीज के लिए। सलमान खान कहते हैं, एपोलॉजी आपको नेशनल टेलीविजन पर चाहिए? झगड़े सबके बीच होते हैं यार, लेकिन ऐसे नेशनल टेलीविजन पर एक शो में अगर नहीं होते, जिस तरह से आपका रिश्ता दिख रहा है वो नाराजगी वाला रिश्ता नहीं दिख रहा है। ये क्या गेम चल रहे हैं यार। बेसिकली वो एक काइंड ऑफ रेफर कर रहे थे बाय सेइंग दैट कि आयशा खान जेन्युइनली शायद एपोलॉजी नहीं लेने आई थी, वो शायद अटेंशन सीक करने आई थी जिससे उनको अटेंशन मिल जाए शो से। एंड आफ्टर ब्रेक आयशा खान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी एंड वो जोर जोर से रोने लगती है, एंड रोते रोते बोलती है, मैंने ये सब इसके लिए नहीं किया था। बट उनको इस हाल में देखकर मुनावर जब उनको कंसोल करने आते हैं आगे से, तो वो चिल्लाकर बोलती है, मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी मुनावर, एंड प्लीज आज के बाद जिंदगी में शक्ल मत दिखाना। अपरेंटली ये सब होने के बाद आयशा खान बेहोश हो जाती हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।